गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अ क्लास टुडे। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल मैंने कंसेप्ट्स केवल कंसेप्ट्स कंसेप्ट लिए थे। ओके, सो डेफिनेशंस हमने ली थी कल, आज मैं ले रहा हूं कुछ एग्जांपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। आपको एक जैसे बोलते हैं ना, रास्ता दिखता है ना, रास्ता दिखाने वाले कुछ एग्जांपल। आईटीसी कंपनी की बात है, उसका पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी हैज बीन सोशली एक्टिव इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो आईटीसी एक कंपनी है, वो इन क्षेत्रों में क्या प्रोवाइड कर रही है, दिस इन दिस ऑल दिस एरिया दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प। नाउ कोलगेट पामोलिव हैव डन पायनियर वर्क इन द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, डेंटल हेल्थ एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट तो ये कोलगेट पामोलिव का इनिशिएटिव है टूवर्ड्स द सोसाइटी। Asian Paints have funded to a large scale community development project to enable farmer to use local resources effectively. Asian Paints ne ye kaam apne area mein, jahan unka business area hai uske aas pass, dekhiye dusre area mein jaane ka nuksan kya hota hai ki aapko resources create karne padenge. Jahan hamari factory hai, factory ke aas pass ke area mein agar hum development work karte hain 100-150-200-250 kilometer ke andar mein, तो हमको ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है हम उसी रिसोर्स से काम चला सकते हैं, अदरवाइज हमें पूरा का पूरा नया रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा। फिर टाटा पार्टिसिपेट इन रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रेन। टाटा का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रेन, और कोई अकेला टाटा ने तो बहुत बड़ा काम किया। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो केवल अपनी फैक्ट्री के आसपास ही नहीं, पैन इंडिया ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, और इनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्होंने ओपन कर रखे हैं, और पर्टिकुलरली ये इनका दान दक्षिणा का काम थोड़ा ज्यादा ही है। नाम नहीं चलाते उनको, टाटा कंपनी को अपना नाम नहीं चलाना है, कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं करते वो कि हमारा नाम हो। देखो दो तरह के लोग होते हैं इसमें, एक जो अपना नाम चाहते हैं काम नहीं करते, दूसरे वो जो नाम और काम दोनों करते हैं, तीसरे जो नाम उनको नहीं चाहिए काम करेंगे बैकडोर से। टाटा उनमें से एक है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं काम एक पैसे का नहीं और प्रचार पूरा एक रुपए का, मतलब 1% वर्क 100% एडवर्टाइजमेंट। नाउ नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, एजुकेशन, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। फिर ल्यूपिन लेबोरेटरीज, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया लाइट फॉर लाइफ, लिट फॉर लाइफ, कंट्रोल एंड इवेंचुअली एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो किसी बीमारी के लिए ये काम कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एंड दे वर सक्सेसफुल। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी ने चलाया, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स के थ्रू, पल्स पोलियो अभियान। तो स्टीव जॉब्स ने हमारे भारत में दो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, एक पल्स पोलियो और दूसरा सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम भी उसी में आया। तो स्टीव जॉब्स ने जो दान दिया था उसी के थ्रू, ठीक है, आया ये। माइक्रोसॉफ्ट का नाम स्टीव जॉब्स ही है ना, कि मैं गलत बोल रहा हूं कुछ? फिर एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने देखा सैमसंग इंडिया का।
क्योंकि सैमसंग इज अ कोरियन कंपनी, लेकिन सैमसंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो जो सैमसंग की सब्सिडरी है। इन्होंने क्या किया, तो सैमसंग वालों ने, हाँ ठीक है मानसी आचार्य बिल्कुल, थैंक यू मानसी, सही है, क्योंकि क्या है इन एग्जांपल्स का रिवीजन ना होने तो भूल जाते हैं, क्योंकि नई नई चीजें बहुत आ जाती है ना दिमाग में। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री हैंड दे रखा है, ठीक है फ्री हैंड है। आज सैमसंग कंपनी 1 लाख मोबाइल फोन पर डे हमारे देश में बनाकर देश में भी बेचती है और एक्सपोर्ट भी कर रही है इंडिया से। तो सैमसंग को इतना बड़ा काम कराया, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उससे बोला कि भाई कुछ हमारे देश के लिए भी करो। तो बोले क्या करना है, बोले स्कूल एजुकेशन में। तो जितने भी नवोदय विद्यालय है ना, उन सभी नवोदय विद्यालय में एक हाई क्लास लैब डेवलप करके दिया, डिजिटल जिसे हम बोलते हैं लैब। उस लैब में क्या क्या है, उस लैब में मतलब हम अपने स्कूल में क्या बोले, एक तो सारे के सारे बढ़िया कंप्यूटर लगे हुए हैं डिजिटल, सैमसंग का बढ़िया क्वालिटी का आपका ऑडियो वीडियो साउंड लगा रखा है, डिजिटल स्क्रीन लगा रखी है। इसके अलावा पूरे एक बैच को लिए उन्होंने टैबलेट दे रखे हैं सैमसंग के हाई क्वालिटी के। आप समझिए कि एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, और 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्कूल, यानी उस स्कूल में 50% बच्चे ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके घर में शायद 2 या 3 तरह की सुविधाएं अवेलेबल है, रोटी और कपड़ा भी नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, मतलब बहुत गरीब घर के बच्चे भी, 50% बच्चे बहुत गरीब घर के वहां पहुंचते हैं नवोदय में। उनके लिए ये वर्ल्ड क्लास डिजिटल ऑडियो वीडियो लैब अपने आप में एक सपना जैसा है। मैंने देखी हुई है ये लैब, और पूरी की पूरी वो सैमसंग की वो लैब डेवलप करने में, एक लैब को डेवलप करने में 55 लाख का खर्चा करीब आता था। जब पिछली बार हमने इसके बारे में पता किया तो 55 लाख के मैंने बताया, एंड दैट इज अ हाई क्वालिटी लैब। ऐसा नहीं है कि आपकी लैब में, जब यहाँ तक कि लैब के अंदर कारपेट लगा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे जितने भी नवोदय थे सिलेक्टेड, जहां पर ये टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जा सकता था उन्होंने किया, दैट इज अगेन एन एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डोनेटेड 100 मिलियन, दैट इज 450 करोड़, फॉर द कंटेनमेंट ऑफ एड्स इन इंडिया, यानी एड्स इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 450 करोड़ रुपए भारत सरकार को दिए। अब आप सोचिए 450 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया, तो आप उसके बदले उन्हें मिला क्या? देखो बिजनेस है ना, बिजनेस तो मिल ही रहा है, तो लेकिन खाली बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस के साथ आपको कुछ समाज सुधार का या समाज की भलाई का भी काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए भारत में पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हाँ अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते थे, अपना स्कूल है, अपने स्कूल में मैक्सिमम 99.99% कंप्यूटर्स पर केवल लाइसेंस्ड वर्जन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंबुजा के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं कंपनी को पता चल गया, माइक्रोसॉफ्ट वालों को, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पकड़ा गया, तो वो क्या है, नाम खराब हो जाता है। तो कंपनी की हमारी पॉलिसी है कंप्लाइंस में, that we are going to use only licensed version, तो अपने computers में license version ही use होने चाहिए, ताकि कहीं से भी infringement का कहीं कोई point ना आए। तो ये social responsibilities हैं। फिर Finolex Industries started the Hope Foundation in 1979 for the detection and treatment of cancer। अब बस इतने सारे मैंने काम बता दिए समाज सुधार के, कल भी discuss किए आज भी किए, अब हम चलते हैं काइंड्स क्या होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आपकी एनसीईआरटी की बुक में काइंड्स पहले हैं के कॉन्सेप्ट्स पहले हैं? नहीं, काइंड्स बाद में है, फिर आती है
हाँ जी, अभी मैं आपको टॉपिक ले रहा हूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, हमारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 147 पर है, डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हमारे ग्रुप्स देख लें। जैसा हमको मालूम है हमारे बिजनेस में कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनमें एक स्टेक होल्डर होता है हमारा शेयर होल्डर, दूसरा होता है एम्प्लॉइज, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, फिर गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी, एंड एक होती है सप्लायर जो हमको माल बेचते हैं, क्रेडिटर्स हमारे। तो अलग अलग ग्रुप्स के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। यहां उन्होंने छोटा छोटा दिया हुआ है, मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आपको अभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमको मटेरियल मिल रहा है। ओके, सो लुक एट द मटेरियल, आई एम जस्ट सेंडिंग अ फाइल। और इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, बस केवल एक एक बार अपनी नजर में आ जाए, अपने को समझ में आ जाए कि होता क्या है, क्योंकि कोई बहुत ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मुझे डिटेल में समझना पड़े, बस जैसे बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, और ये बड़े बच्चों के हिसाब से थोड़ी होती भी है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर मतलब बिजनेस के मालिक इन्वेस्टर्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर वन, फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनियों को जो शेयर होल्डर है उनको समय समय पर फेयर रिटर्न देना चाहिए, मतलब प्रॉपर डिविडेंड पे करें। जैसे अभी अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट आया तो उनकी जो सेल्स और प्रॉफिट है वो डबल हो गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और इस साल टोटल जो उनका प्रॉफिट आएगा वो पहले से कई अच्छा आएगा। कोरोना के बाद भी कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो इतना अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जरूर मिलना चाहिए। अब बात आती है डिविडेंड क्या होता है। आप जब बैंक में एफडी बनाते हैं तो एफडी पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही जब आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स के अगेंस्ट में क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, यानी आपके प्रॉफिट का वो हिस्सा, यानी बिजनेस के प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, डूबे ना पैसा, ठीक है? सेफ रहे मतलब अगर उन्होंने 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपया होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज से 2 साल पहले जिन जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे 950 रुपए में, 936, 850 से 950 के बीच में, आज उनके हर एक शेयर की वैल्यू करीब 2100 रुपए से आगे जा चुकी है। जस्ट 2 साल पहले रिलायंस का ये शेयर कितने का था, ठीक है? ये मुकेश अंबानी की कंपनी की बात कर रहा हूं, यही अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 90 रुपए का शेयर था अनिल अंबानी का, आज वो 2 रुपए का रह गया। तो सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने 90 रुपए का शेयर खरीदा होगा अब उस शेयर की वैल्यू 2 रुपए रह गई, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो इस कंपनी को, इन कंपनियों को अपने शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचा के चलनी है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बचाओगे, पहले तो शेयर होल्डर तो खैर दुखी होएगा ही होएगा, और जब वो शेयर खरीदता है तो उसको लगता है कि भाई नहीं, मेरा तो पैसा, मैं रिस्क ले रहा हूं, तो उसका तो पैसा डूब ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस भी डूबेगा। आप ये मत सोचना कि बिजनेस नहीं डूबेगा। टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है और उन्हें ग्रो करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़नी चाहिए। ये जिम्मेदारी है किसकी? बिजनेस फर्म की, शेयर होल्डर्स के प्रति। रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन? रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ बिजनेस,
एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मजेदार उदाहरण है। भारत के जैसे हम बोलते हैं ना बुल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, इसका टाटा की एक कंपनी है टाइटन, जो टाइटन की घड़ियां तनिष्क मनिष्क की जो नाम सुना है आपने, तो इसमें 10% करीब शेयर है राकेश झुनझुनवाला का अकेले का। धीरे धीरे खरीदते खरीदते वो टाटा के 10% शेयर खरीद लिए। तो एक बार जब इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में थे मिस्टर झुनझुनवाला। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ही टाटा कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो मैनेजर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला ने इतने कड़क कड़क सवाल पूछ लिए कि उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में मैनेजर जवाब नहीं दे पाए। और राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के वर्किंग स्टाइल और मैनेजर्स के वर्किंग स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अगले दिन उस कंपनी का ही शेयर 4 से 6% गिर गया। और फिर टाटा कंपनी को, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को राकेश झुनझुनवाला के पॉइंट्स पर सफाई देने पड़ी। उस दिन तो नहीं दे पाए, बाद में देनी पड़ी, एंड ही सेटिस्फाइड। एंड और उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने एक बयान जारी किया ऑनलाइन ताकि जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक ना फैले। ओके, क्योंकि एक बार जब पैनिक फैलना चालू होता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या क्या होता है। मैं एक उदाहरण के थ्रू बताता हूं। दिवाली का ही एग्जाम्पल था, जहां आपने ट्रेडिंग होती है तो मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पहुंच गया था 146 रुपीज का। दिवाली वाले दिन 2 घंटे के लिए मार्केट खुली थी तो 146 रुपीज का शेयर था, तो मैंने भी वो खरीद लिया। और दौज वाले दिन, भाई दौज वाले दिन उस शेयर ने छलांग लगाना चालू करी। आप सोचेंगे पहले 2 घंटे में बीपी बढ़ना चालू हो गया लोगों का। 149 से शेयर उस दिन थोड़ा सा नीचे गया, एंड देन द शेयर की वैल्यू अंदाजा लगाइए आप 340 रुपए तक पहुंच गई। केवल एक ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं, और हर 5 मिनट में सर्किट ब्रेक हो रहा था, अपर सर्किट 5% 10% का। चूंकि SBI का मार्केट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इस शेयर को अपर सर्किट टच करने के बाद सर्किट लिमिट ऑन द स्पॉट रिवाइज हो जाती है, क्योंकि इसका मार्केट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अपर सर्किट क्या है, रिवाइज हो जाती है। तो जैसे ही अपर सर्किट लगी ट्रेडिंग रुक गई, फिर अगले ही मिनट में जैसे ही सर्किट रिवाइज हुई फिर बढ़ गई। और मैंने जो खरीदा, ज्यादा नहीं खरीद पाया था उस दिन, क्योंकि मैंने कहा मुहूर्त ट्रेडिंग है थोड़े से ले लेते हैं, 10 ही शेयर खरीदे थे। और दौज वाले दिन मैंने उसको 320 रुपए में बेच दिया, और उसके बेचने के विद इन 10 मिनट वो 340 टच कर गया। और लगातार फोन बजते रहे कई साथियों के, बोले हो क्या रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा मैंने तो बेच दिए, अभी मेरे पास और कोई नहीं। वही शेयर कोरोना के समय पर वापस 120-130 पर आया, फिर 200-250 टच किया, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन SBI शेयर राइट नाउ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। अचानक उस दिन ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर हवा में भागने लगा? केवल वही नहीं भागा, उस दिन पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने जिसे बोलते हैं ना बेल आउट पैकेज अनाउंस किया था। ये बैंक डूब रही थी तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा बेल आउट पैकेज अनाउंस किया। तो बेल आउट पैकेज अनाउंस होते ही जो ट्रेडर होता है ना, वो ट्रेडर कूद गया और औने पौने दामों पर शेयर खरीद लिए 2-3 दिन के लिए। तीसरे दिन के बाद वो शेयर घट के वापस 250 पर आ गया। अब जो लालची लोग थे, और बढ़ेगा लालची लोग फंस गए। अब वो बंदर किसी काम के नहीं, वो बिकना बिकने के ना नचाने के। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, उसके बाद मैंने खरीदा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना फ्लक्चुएशन देखने के बाद ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का बीपी बढ़ता ही है। क्योंकि मैंने तो 10 ही लिए थे, लेकिन मेरे आजू बाजू में कोई 1000 बुकिंग कर रहा है, कोई 1500 कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पागल वागल हो गए हो क्या, मरोगे? वो कह रहे मार्च कहते ना वो खून से होली खेलेंगे, तो खून से होली हुई शेयर मार्केट में। 23 मार्च को हुई थी ना इस साल खून की होली, मालूम चल गया लोगों को। एक बार में ही 1.5-2 लाख रुपए डाउन हुए थे विद इन अ वीक। अकेले गढ़चंदूर के शेयर इन्वेस्टर्स के कम से कम नहीं तो 50-60 करोड़ रुपए डाउन हो गए केवल एक वीक में। उनमें से मैं भी एक हूं, मेरा भी बहुत डाउन हुआ उस समय, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि पहले ही सोच रखा है कि ये तो गया। लेकिन अल्टीमेटली
ये कंपनियों को रेगुलर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो मैं वही बात बता रहा हूं। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य क्या है कंपनी का, हर साल अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस को रिवाइज करती है कंपनियां, और इसके बारे में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करो, और जरूरी भी है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन्वेस्टर एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो दूसरों के ऊपर विश्वास करके पैसा लगाती है। ओके और ये जो कम्युनिटी है, ये इन्वेस्टर कम्युनिटी है, ये दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर इनका भरोसा टूट गया तो बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा सफरिंग बिजनेस कम्युनिटी को होगी, क्योंकि ट्रस्ट ब्रीच होना, कहते ना आप किसी का पैसा लूट लिया कोई दिक्कत नहीं, भरोसा अगर टूट गया तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रस्ट आने में बहुत टाइम लगता है। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इन पॉलिसी डिसीजन, शेयर होल्डर्स का पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेशन, इसके लिए कई कंपनियां उपाय बनाती हैं, जब आप और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा। अब आती है बिजनेस की एम्प्लॉइज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर कई बच्चों के मन में बात आती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है, बाकियों की नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, तो मेरा जवाब है, ये जो रिसोर्स है ये क्या किसी एक व्यक्ति का है क्या? ये पूरे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, टाटा, बिरला, अंबानीज, ठीक है, रहेजा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, अरिहंत ग्रुप, पारस ग्रुप, गोयनका, गोदरेज, ये क्या संपत्ति जन वहां ऊपर से लेकर आए थे क्या भगवान से? ये पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने जो क्रिएट करी है वो इस देश की मिट्टी से ही तो बनी है, और क्या जेब में रख के ले जाओगे क्या मरने के बाद? अंबानी जी की इतनी दौलत इकट्ठी हो गई तो क्या वो लेके जाएंगे क्या अपने साथ में? और ये क्या उनकी अकेले की है क्या? ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इस देश की है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का इस बिजनेस से क्या जुड़ाव है। टाटा ग्रुप का जब भी कोई चेयरमैन सिलेक्ट होता है, अभी मिस्टर रतन टाटा सीधे दिल्ली में आपका जो नॉर्थ ब्लॉक है, जहां फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बैठते हैं सभी, डिफेंस मिनिस्टर, तो मिस्टर टाटा जब भी चेयरमैन अनाउंस होता है उससे पहले एक बार टाटा जो है पीएमओ जरूर विजिट करते हैं, और उनकी पीएमओ की विजिट इस बात का इंडिकेशन है कि टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा पैसा इस देश का लगा है। मिस्टर अंबानी ने 5,00,000 करोड़ का लोन ले रखा है भारतीय बैंकों से, तो मिस्टर अंबानी का ये नहीं है कि मिस्टर अंबानी कभी भी कुछ भी करेंगे, उनके घर की खेती नहीं है। अंबानी जी को जवाब देना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्टर को, हम ये कर रहे हैं, देख लीजिए, इन केस अगर रिलायंस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए, उनकी फैमिली में कुछ हो जाए, विद इन 4 आवर्स गवर्नमेंट सभी बिजनेस के ऊपर सीनियर ऑब्जर्वर अपॉइंट कर देगी तुरंत, जैसे सत्यम के केस में किया था। सत्यम कंप्यूटर्स के केस में विद इन अ वीक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, और पूरी की पूरी संपत्ति मिस्टर रामलिंग राजू की एक एक गाड़ी तक सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, और बाद में उसको बेचा, मिस्टर महिंद्रा ने उसे खरीदा, आज वो सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड टेक महिंद्रा के नाम से कंपनी चल रही है। मैं आपको मिस्टर सत्यम रामलिंग राजू की एक कहानी समझा दूं। रामलिंग राजू जो है वो कहते हैं ना बेताज बादशाह था साउथ इंडिया का, मुख्यमंत्री की क्या वैल्यू होगी जो मिस्टर रामलिंग राजू की थी, उसका बीजेपी के साथ बड़ा झुकाव हुआ करता था। ओके तो कई बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कई सारे उसके किस्से प्रसिद्ध रहे हैं पॉलिटिकल लाइन में, आप समझिए मिस्टर राजू वाज, लेकिन इतने घनिष्ठ संबंध होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल नजदीक के संबंध, कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि रामलिंग राजू का जेट पीछे उड़ रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्लेन में आ रहे हैं, मतलब दो प्लेन एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, रामलिंग राजू का फॉलो कर रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो बैठे हैं, फिर एयरपोर्ट पर सीट चेंज हुई, अपने अपने हवाई जहाज से अलग अलग डेस्टिनेशन पर गए, एंड ही वॉज सिटिंग बिसाइड रामलिंग राजू
और जस्ट बिसाइड कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे महाजन जी, प्रमोद महाजन, उनका खास दोस्त था रामलिंग राजू। उसके बाद भी उसकी ही कंपनी पर, उसी के फ्रेंड की कंपनी पर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वर डाल के कंपनी हथिया ली, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट अ वेरी सिंपल पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर बात आती है एम्प्लॉयज की, तो ये सारी संपत्ति इन्होंने इसी देश से अक्वायर की है। आज अंबानी जी के बाद जो पैसा आया है वो उन्होंने घर से लेकर नहीं आए थे, वो मैंने और आपने कमाया, और जो पैसा हम खर्च करते हैं ना मोबाइल रिचार्ज कराने में, वो आपकी और मेरी मेहनत का पैसा है। वो नो डाउट वो हमें सुविधा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कायनात उनकी हो गई, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। वो कहते हैं ना, सर देखकर सरदारी, तो सरदार हैं तो सरदारी है, और उनको अपनी ड्यूटीज पूरी करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस एंटिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। तो एम्प्लॉयज के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? नंबर वन, फेयर वेजेस एंड सैलरीज। फेयर मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे तो अभी सैलरी देना, नो, जितना काम उतना वेज, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा दे दोगे तो आदमी निकम्मा हो जाएगा, कम दे दोगे तो अत्याचार। ना हमको अत्याचार करना है, ना किसी इंसान को निकम्मा बनाना है। जैसे सरकारी ऑफिस में होता है ना, सरकारी ऑफिस में काम तो करते नहीं है, काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? काम करने की तो उन्हें क्या मिलती है? रिश्वत मिलती है, बाकी तो सैलरी वो फ्री की खा रहे हैं। ठीक है, सभी नहीं, सभी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के जहां ये काम है। फेयर वेजेस का मतलब यही है कि जो उन्होंने काम किया है उसका हिसाब से उनको वेज मिले। नंबर टू, वर्कर्स को काम करने के लिए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, जहां उनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी हो, जहां उनका जीवन सुरक्षित हो, सेफ हो, हेल्दी हो। ऐसा नहीं है कि वहां फैक्ट्री में या बिजनेस प्लेस पर काम करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनकी जो हेल्थ है वो डिट्रॉइट हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे मेडिकल केयर, हाउसिंग, रिक्रिएशन, इंश्योरेंस कवर एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स उन बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर ज्यादा लगते हैं जहां हजार्ड्स बहुत ज्यादा है। हजार्ड्स मतलब जहां जीवन को बहुत कष्ट है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री होती है। ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को टीबी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, सीमेंट में काम करने वालों को कई तरह की एलर्जीज होती हैं। उनको बचने के लिए कंपनी गुड़ और सरसों का तेल देती है। गॉट इट? तो गुड़ का, इसी प्रकार से आप किसी भी अलग अलग फैक्ट्री में जाएंगे तो उन लोगों को मालूम है कि एम्प्लॉयज को क्या खिलाना पिलाना है जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग सेक्शन। तो स्पिनिंग सेक्शन में दोनों तरह के आपके स्टेपल होते हैं, और 6 महीने से ज्यादा अगर कोई स्टेपल सेक्शन या स्पिनिंग सेक्शन में काम कर ले तो उसके यहां पर, इस जगह पर एक ऐसा गोला बन जाता है, क्योंकि वो नाक से हल्के हल्के रेशे जो है शरीर में जाते हैं और आपके लंग्स के ऊपर एक गोली बना लेते हैं। 6 महीने के ऊपर स्पिनिंग सेक्शन में ज्यादा लोगों को रखा नहीं जाता। अगर अब तो स्थिति दूसरी हो गई, अब तो फेस मास्क यूज करना कंपलसरी है। इसके अलावा वीविंग सेक्शन में लोगों के बहरे होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वह मशीन का शोर का जो लेवल है वो 20 डेसिबल से ऊपर होता है। तो उसमें क्या होता है, अभी आजकल तो क्या वो आते हैं, मैंने उस समय पर वो फैक्ट्रियां देखी है जहां उनको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाते थे वर्कर्स को। बस हर मशीन रूम के बाजू में एक रूम होता था साउंड प्रूफ, जहां पर हर 40-45 मिनट के बाद वो 2 या 3 मिनट के लिए
जाकर रेस्ट कर सकते थे, क्योंकि इतने साउंड में काम करने के बाद कोई व्यक्ति जीवित रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक राउंड राउंड में राउंड लेते थे वो और अपने आप को चेंज कर देते थे। इसी प्रकार से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, फोर्जिंग इंडस्ट्रीज होती है, जहां इस तरह की फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत है, खासकर मेडिकल केयर की, हाउसिंग की, क्योंकि व्यक्ति बुरे हालात में काम करके आए और ऐसी जगह पर रहे जहां उसकी शरीर को रेस्ट ना मिले, तो उससे क्या होगा, उनकी तबीयत और बिगड़ेगी। फिर कोऑपरेशन बाय क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, एक अच्छे ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करना। एंड नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। कई कंपनियों ने इसमें और एक व्यवस्था बनाई है, जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का जो एमडी होता है वो उनका एम्प्लॉय होता है, मोस्टली अपने घर के किसी व्यक्ति को वो अपना सीनियर मोस्ट पोस्ट नहीं देते, बाहर वालों को देते हैं सीनियर मोस्ट पोस्ट। अरे कई बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सुविधाएं हैं, मतलब जो व्यक्ति नीचे से काम करते हुए आ रहे थे, अंबुजा में थे मिस्टर कपूर, वो यहाँ एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया और एमडी उन्होंने कंपनी छोड़ी। तो ये क्या था, उन्होंने एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया और उन्होंने उस पूरी कंपनी को, उस पूरे ग्रुप को लीड किया। क्यों, ऐसा कैसे हो गया, जब आप एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन कराओगे मैनेजमेंट में तो वो आपके बिजनेस को अच्छा सा काम करके देंगे। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड कंज्यूमर, कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है। कस्टमर इज अ गॉड नाउ, क्योंकि आपके अलावा दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमसे भी अच्छे बेच रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट क्यों और कैसे बिकेगा उसके लिए आपको कस्टमर के रिलेशनशिप के आधार पर आएगा। तो नंबर वन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस, अच्छी क्वालिटी एंड दैट टू एट व्हाट प्राइजेस, फेयर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस। नंबर टू, रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स, रेगुलर एंड व्हाट, एडिक्वेट सप्लाई, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया दोबारा नहीं दिया। आप देखिए, नहीं ये 5 मिनट है अभी, रुको अभी, आज लंबा जाएगा क्लास, बोल दो सर को, प्रिंसिपल सर को, नहीं छोड़ रहा जैन सर। हाँ, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड, जैसे मिल्कमैन है, रेगुलर देता है मिल्क, अगर एक दिन ना मिले तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा, कई लोगों का तो सरदर्द चालू हो जाएगा, चाय नहीं मिली, दूध नहीं आया तो चाय नहीं दो, सिस्टम बिगड़ गया। तो ऐसे जैसे बिजली की सप्लाई है, सुबह देते हैं, दोपहर नहीं देते, रात को नहीं देते, जब मर्जी आए तब चालू करते हैं, जब मर्जी आए बंद करते हैं, तो गलत चीज है ना। तो कंज्यूमर को आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, मान लो मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क 1 घंटे आता है, 1 घंटे बंद हो जाता है, कैसा लगेगा आपको, इंटरनेट आ रहा है बंद हो रहा है, आ रहा है बंद हो रहा है, आ रहा है बंद हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा, इरिटेशन, नो ऑनलाइन क्लासेस, नथिंग, घर बैठ जाएंगे। नॉट टू फॉलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, अंडर वेटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरी बात मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सबसे बड़ा झूठ होता है गंदे कपड़ों को दूध जैसा सफेद करने का दावा, चिल्ला चिल्ला के एक एक बड़े बड़े लोग आके चिल्ला कर बोलते हैं साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता साफ कर देंगे, और उनके झूठ पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, क्या करें बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मानना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, फेयरनेस क्रीम, अगर फेयरनेस क्रीम अगर वाकई में फेयर करती तो सारे अफ्रीकन गोरे हो लिए होते और जो पीले हैं वो भी गोरे हो जाते, जो झूठ है ये, ऐसी मिसलीडिंग नहीं करनी है बिजनेस में, इससे बिजनेस को नुकसान होते हैं। अब तो खैर बैन लग गया फेयरनेस क्रीम पर, अब हमारे देश में फेयरनेस क्रीम कोई बेच नहीं सकता, हाँ ग्लोइंग वर्क कर सकते हैं, वो अलग चीज हो गई उन्होंने, क्योंकि वो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं आजकल उसको, बोलते हैं ना अभी कुछ चल रहा था जो गोरा काले का लफड़ा रहता है ना दुनिया में, अपने देश में तो सब काले पीले हैं, ठीक है, उधर अमेरिका में नहीं हुआ था वो श्वेत और अश्वेतों का, तो दुनिया में नियम ही बदल गया, अभी कोई फेयरनेस वाला काम नहीं। हाँ रेसिज्म, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा है, अच्छा पढ़ते हो बच्चे तुम लोग। फिर कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को क्या करना है, कैटर करना है, सुनना है उनकी बात, अगर हम कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को सुनेंगे नहीं
तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी. नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म द कस्टमर. हाँ, जॉर्ज फ्लेयर्ड, बिल्कुल सही. टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है, अपने प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में बताना और उन प्रोडक्ट का क्या क्या फायदा है वो अभी बताना. तो आज हम अपना यही खत्म कर रहे हैं, कल हम इस टॉपिक को और वाइंड अप करेंगे. और चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, बिजनेस एथिक्स इस चैप्टर में है नहीं, तो बस हमको यही तो पढ़ना है, दो तीन टॉपिक आराम से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन तो लेना ही है ना. ओके, तो कल बीआरएस के लिए वेट करो, कल बीआरएस में बड़ा मजा आने वाला है. ओके, सो सी यू टुमारो. अपना पुराना काम कंप्लीट करो, एग्जाम की तैयारियां करो.